नगर के प्रेमी सज्जनों, इश्क करना मतलब जिंदा सांप पकड़ना, छोड़े तो लड़े पकड़े रखे तो लड़े, इस इश्क ने तो बड़े बड़े राज्य महाराजे नहीं बच पाए, फिर आजकल के बाल किस खेत की मूली से, किस तरह से एक लड़के को इश्क हो जाता है, उसके बाप के सपने टूटते हैं, पंचायत में जलील होता है, तो इस तरह से कवि संजीत सरोहा ने क्या बता दिया वाला? रे हो गया फैल बहरवीं में, हो गया फैल बहरवीं में, ये कई इश्क बीमारी लड़की रे, बाबू बेटे की यारी एक चोरी वारी पड़गी रे, हो गया फैल बहरवीं में, हो गया फैल बहरवीं में। न्यारा चुला न्यारा बोहिया, न्यारे न्यारे पाट लिए, कसन दग भी ढूंढ के सारे, आपस के मा बाट लिए, घर में दोनों बैठे से, पर उजड़ा उजड़ा लागे से, बाबू दिन मद के कावर बेटा रात ने जागे से, एक कहल की टिंगरी के चक्कर में, एक कहल की टिंगरी के चक्कर में, आपस में जंग छिड़ गी रे, क्या फैल बाहर मी पट्ठे गड्ढा करता छोरा गाम गुहांड मचरचा था, सपने वड्डे कॉलेज के पर हाथ फैल का परचा था, बेशर्मी का काम इश्क रखो ए भूल कै करियो ना, संजीत सरोहा यानी उम्र में इश्क जाल में पड़ियो ना, रे वोड़ा धंधा वकड़ा कहने, बोला धंधा पकड़ा कहवा, एकली एकली पढ़गी रे, बाबू बेटे की यारी पे एक छोरी वारी पढ़गी रे, रे हो गया फैल बहरवीं में, हो गया फैल बहरवीं में, ये कई इश्क बीमारी लड़गी रे, बाबू बेटे की यारी पे एक छोरी वारी पढ़गी रे, फैल बहर मी में, ओ क्या फैल बहर मी में। तो प्रेमी सज्जनों, इस तरह से पंचायत में जलील होने के बाद सोनू अपने बाप से बोलना छोड़ देता है। सोनू का बाप रोशन अपने जगह बिल्कुल सही होता है, उसके बाप के सब सपने टूट जाते हैं। अब सोनू क्या रवीना से मिलेगा, या बाप उसे घर से निकालेगा, क्या सोनू घर से भाग जाएगा? तो आखिरी के लिए मैं क्या बता भला? डाउनलोड और सब्सक्राइब करें स्टेज ऐप।